हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं प्राउडली प्रेजेंट करता हूँ महिंद्रा की मराजो। महिंद्रा कुछ सालों से काफ़ी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था और अब मराजो को देखकर कह सकते हैं कि वो कोशिश पूरी हो गई है। जस्ट लुक एट द डिज़ाइन ऑफ द कार। ये इसका डिज़ाइन शार्क से इंस्पायर्ड है। सामने ग्रिल शार्क के दांतों की तरह है और पीछे की टेल लैम्प शार्क की टेल की जैसी। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट, ये है मराजो M8 जो कि टॉप वेरिएंट है। इसकी ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होती है 11.8 लाख से 16.76 लाख तक। ये पर्टिकुलर मॉडल की प्राइस है 16.76 लाख। इसके इंजन की बात करें तो इसमें है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करती है 121 हॉर्स पावर और टॉर्क 300 न्यूटन मीटर, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। चलो पहले एक्सटीरियर का वॉक अराउंड लेते हैं। ये है फ्रंट ग्रिल एज आई शोड यू। ये है ट्विन चैम्बर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स डे टाइम रनिंग लाइट के साथ। फ्रंट हेडलाइट्स थोड़ा और डिटेल में, ये कॉर्नरिंग हेडलाइट्स है, मतलब स्टेयरिंग टर्न करने पर ये उस डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्ट होते हैं। और ये है 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, कंपनी से ब्रिजस्टोन के टायर्स मिलते हैं। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स ABS के साथ है। टर्न इंडिकेटर्स ऑन साइड व्यू मिरर। क्रोम एक्सेंट डोर हैंडल पे भी क्रोम एक्सेंट है। कार का लुक एनहांस करने के लिए बहुत सी जगह क्रोम एक्सेंट है। फोर्टी लीटर्स की फ्यूल टैंक है। बैक प्रोफाइल ऑफ द कार, शार्क टेल्स इंस्पायर्ड रियर लाइट्स, लाइट रिफ्लेक्टर्स इंटीग्रेटेड है रियर लाइट्स में। मराजो की बैजिंग M8 नीचे लिखा हुआ है। रियर फॉग लाइट, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक लाइट, रेडियो एंटीना, ये रहा रियर वाइपर। और यहाँ पे वॉशर। चलो अब इंटीरियर देखते हैं। M8 में मिलता है डुअल डोर इंटीरियर, क्रोम डोर हैंडल, पावर साइड मिरर्स, पावर विंडोज, सॉफ्ट पैडिंग, डोर साइड स्पीकर, काफ़ी बड़ी डोर साइड स्टोरेज है। सीट पूरी पीछे लेते हैं। 8-way एडजस्टेबल मैनुअल सीट्स है। अंदर आसानी से बैठ सकते हैं। राइड हाइट ओके है MVP के हिसाब से।
ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील, मल्टीमीडिया कंट्रोल और पियानो ब्लैक टच के साथ। सनशेड, सनग्लास होल्डर और ये रियर पैसेंजर चेक करने के लिए। मैनुअल रियर व्यू मिरर, यहाँ साइड में एको मोड बटन और हेडलाइट हाइट एडजस्टमेंट बटन है। पियानो ब्लैक फिनिश अक्रॉस द डैशबोर्ड। मराजो एमेट में आता है 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये है एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड हैंड ब्रेक। यहाँ नीचे स्टोरेज कभी, उसी साथ में 2 USB और 1 AUX पोर्ट है, 1 पावर आउटलेट। यहाँ एक स्टोरेज है, उसी के अंदर 2 कप होल्डर्स, हैंड रेस्ट, पैसेंजर साइड सनशेड पे वैनिटी मिरर मिलता है। चलो अब पैसेंजर साइड देखते हैं। I really like the soft padding on the door panel. जैसा कि आप देख सकते हैं, the piano black finish almost reflect everything as mirror. Passenger side air vent visibility बहुत अच्छी है cabin में। और ये कूलिंग ग्लोव बॉक्स, पेन होल्डर, और यहाँ ऊपर एक कंपार्टमेंट है। अब देखते हैं सेकेंड रो सीट्स। क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडोज, डोर साइड स्टोरेज, 1 लीटर का बॉटल आसानी से आ जाता है। सीट पॉकेट्स, लेग रूम इज मोर देन इनफ, प्लस सीट स्कूप्ड आउट है, हेड रूम भी बहुत है। यहाँ ऊपर एसी वेंट्स, सेंट्रल लाइटिंग, एसी कंट्रोल्स, कोट हुक्स दोनों भी साइड। सेकेंड रो में 2 बकेट सीट्स या 1 बेंच सीट का ऑप्शन है।
अगर बेंच सीट रही तो 8 लोग की सीटिंग है और बकेट सीट लिए तो 7 लोग की। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हर सीट पे। चले अब थर्ड रो देखते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए बस ये एक लीवर पुश करें और ये फोल्ड हो जाएगी। वैसे अंदर चढ़ने के लिए तो एक चैलेंज ही है। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पैर सीट को तो टच नहीं हो रहे, लेकिन सीटिंग पोजीशन बहुत ही अनकंफर्टेबल है। लाइक माय लेग्स आर टचिंग माय चेस्ट। रीडिंग लैंप्स। कप होल्डर्स ऑन ईच साइड। अब इसकी ट्रंक देखते हैं। रियर पार्किंग कैमरा। तो इसकी बूट स्पेस है अगर पूरे सीट ऊपर रहे तो 190 लीटर्स, और थर्ड रो बंद करने पर इसकी स्पेस हो जाती है 680 लीटर्स, और अगर सेकेंड रो भी बंद करे तो मिलती है 1055 लीटर्स की बूट स्पेस। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो लाइक लियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड यू गाइस कैन सपोर्ट मी ऑन patreon.com। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Peace.